के लिए जाते हैं तब ये लोग कैसे करते हैं? आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू द सोल्जर्स बिकॉज वी ऑल प्लेड दैट. तो एक्चुअली जस्ट हैट्स ऑफ टू दीज सोल्जर्स. ये लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारा ख्याल रखते हैं. खाना भी यू नो अकेले खाते हैं. इनकी फैमिली जो है इनकी पलटन है. वी ऑल गॉट रियली क्लोज लाइक दैट. और जे पी सर के साथ काम करने के लिए बहुत ही मज़ा आया मुझे. आई मीन ही हैज़ हिज होल फिल्म इन हिज हेड. ही नोज एवरीथिंग एंड ही इज़ गॉट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल विजन्स आई हैव एवर सीन. एंड वी ऑल गॉट रियली क्लोज एंड आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सुपर सुपर, थैंक यू सो मच गुरु भाई. वो कड़कता हुआ डायलॉग जो एकदम चिपका दिया एकदम यहाँ पे, सब मोरल दिल पे लगाया. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एंटायर थिंग? या वेल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे और मेरे डैड आर्मी में थे, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं. और हमने पूरी फैमिली ने साथ में बॉर्डर देखी थी और हम बहुत ही इमोशनल हैं देश को लेके. और मैं हमेशा कहता था जब भी बॉम्बे आया था कि सब सिविलियंस हैं, क्योंकि मैं आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, आर्मी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है. तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला. और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि मैं फ़ौज में जाऊँ और वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं फ़ौज में जाऊँ. और फ़ौज में भर्ती होने से पहले आपको रनिंग करनी पड़ती है, वो भी मैंने पास की और उसके बाद मैं भाग के बॉम्बे आ गया, एक्टर बनना था. और डैड ने 3 साल मुझसे बिल्कुल बात नहीं की और फ़ोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे. और वो काफ़ी नाराज़ थे. लेकिन फिर धीरे धीरे रामायण आया, राम में देखा, फिर लोगों ने तारीफ़ की और उसके बाद बात करना स्टार्ट किया. लेकिन जब मैंने पलटन साइन की और जब मैं लद्दाख में था तो मैंने वीडियो चैट किया और उनको ये ड्रेस दिखाई फिल्म की. और वो एक्चुअली वो इमोशनल जो था, मुझे मैं समझ सकता था डैड को कि वो चाहते थे कि फौजी का वो वर्दी मैं पहनूं. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छोटा सा वो सपना जो है वो मैंने पूरा किया. एंड थैंक यू जेपी सर, थैंक यू सो मच. अच्छा, व्हाट वील डू इज, यहाँ बड़े सारे ऐसे राज खुल जाएंगे. सो व्हाट वील डू इज, यहाँ आई विल गिव यू द मौका कि आप लोग अपने सवाल अब पूछ सकते हैं. जेपी सर भी यहाँ पे आ गए, तो या ओवर टू यू गाइस. मेरे पास है मेरे सवाल बड़े सारे. नहीं, वो भी अन्नु सर की तरह लेके घूमते अपना माइक. हाँ, सबके पास है. जी, माइक कहाँ है, किसके पास है? Nobody's asking. जी हेलो, मेरा सवाल जेपी दत्ता जी से है. यहाँ पे आपको काफी 10 साल के बाद देख रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है. और कैसा लग रहा है पूरी पलटन के साथ आपको, आपकी पलटन आज स्टेज पे है? नहीं, ये मेरी पलटन जो है -20% ऑक्सीजन और ये सुबह दौड़ते थे 5 किलोमीटर और उसके बाद वापस होटल में आकर वो जिम में जाते थे. तो आप ये सोच सकती हैं कि मेरी हालत क्या थी कि अगर कहीं किसी को कुछ हो गया तो ये सारी जो है चिट्ठी मेरे नाम की फाड़ी जाएगी. तो इनके मैं हाथ पैर जोड़ता था कि भैया बस करो, फिल्म है, क्या कर रहे हो तुम लोग. ये मानने को कोई तैयार नहीं था. एंड जितने दिन हम वहाँ थे, आई थिंक मोर देन 2 मंथ्स वी वर देयर, ये लगे ही रहे, इन्होंने रुका ही नहीं. सो हैट्स ऑफ टू देम. आई मीन वो आर्मी वाले भी हैरान थे कि ये लोग कैसे काम करते हैं और कितना ज़्यादा काम करते हैं हमसे भी. तो आर्मी वालों का ये कहना था कि हमसे भी ज़्यादा ये लोग काम करते हैं. और हर्षवर्धन जी से मेरा सवाल है कि ऐसा सुना है कि जेपी दत्ता जी को आपका काम इतना पसंद है कि आप और 3 फिल्मों के लिए साइन हो गए हैं. हाँ मैम, खुशकिस्मती है मेरी.
लेकिन तीन पे रुकिए मत, उम्मीद है कि इससे ज़्यादा कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. जी बी सर, हाय, ज्योति फ्रॉम जूम. सर यहाँ लेफ्ट, सर यहाँ पर जी. काफ़ी बड़ा क्रू है. नॉर्मली एक मतलब एक एक्टर के फिल्म में अगर दो हो जाते हैं तो फाइट्स होती है, कई न्यूज़ आती है, लेकिन इतनी बड़ी पलटन को संभालना आपके लिए कितना मुश्किल था? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर आप लोगों को संभालना पड़ा किसी को, या बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही सबकी? और सारे एक्टर्स से भी जानना चाहेंगे कि कितनी बॉन्डिंग आप लोगों की थी. ये एक्टर्स मेरे हमेशा ही बहुत सारे रहे हैं, मैंने मल्टी स्टार्स बनाई हैं. LOC कारगिल तो एक हद पे ही चली गई थी. तो ये सारी जो मेरे पूरा जो मेरी जर्नी रही है इतने स्टार्स के साथ काम करके, चाहे वो विनोद खन्ना हो, धर्मेंद्र जी हो, ये सब लोगों के साथ, सुनील दत्त हो, इन लोगों से इतना मतलब मुझे सपोर्ट मिला, मुझे प्यार मिला, इज्जत मिली उनसे. ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ सरस्वती माँ का मुझ पर आशीर्वाद है और कुछ नहीं. आप लोगों से जानना चाहेंगे, अगर आप खुद सुनते होंगे कि दो एक्टर्स अगर फिल्म में हो या दो एक्ट्रेस अगर फिल्म में हो तो कैट फाइट, ये फाइट हुआ, तो आप लोगों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग रही पूरी? अच्छी बॉन्डिंग नहीं, घुमा दिया क्वेश्चन, चाहिए लड़ाई कितनी हुई है सुनना है ना. वो बहुत अच्छी बता बॉन्डिंग थी. क्या होता है जब बहुत सारे लाइंस मिल जाते हैं तो हम बांट देते हैं आपस के बीच में, बोलते यार तू ही बोल दे यार, नहीं तो आप बोल दीजिए. वैसे हमारी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब ऑक्सीजन कम होता है तो आपकी मेमोरी भी डाउन हो जाती है. हाई जे पी सर, भावना दिस सेंटर, भावना फ्रॉम जी न्यूज़. सर मुझे आपकी फिल्म का ट्रेलर काफ़ी पसंद आया और मुझे ऐसी पेट्रियाटिक फिल्म बहुत पसंद है. मैं जानना चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान पे बहुत फिल्में बनती है हमारे बॉलीवुड में, लेकिन भारत और चाइना पे इतनी कम फिल्म्स क्यों? क्योंकि हमने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रजिस्टर एक ही लड़ाई की है, वो है 62 की, जो कि अगर आप उसको पढ़ें या उसको स्टडी करें 62 की लड़ाई को, तो एक ही लाइन आती है जहन में, वो ये है द वॉर दैट वॉजेंट, और वॉर थी ही नहीं. आप 5 बजे सुबह अभी अपने टेंटों से उठ रहे हो, नींद से जाग रहे हो, और चाइनीज़ ने अंदर आकर आपको ख़त्म कर दिया. तो 1962, 20th of October, at 5 o'clock in the morning, the Chinese attacked 2 Rajput. They were 600 men, and they massacred them in 2 hours. So this is not a war where you don't give the other person to fight back. He is still in bed. He's still waking up. He's doing his puja. He's doing remembering his family, and you kill him. They surrounded all of them, and they killed them. So the biggest brunt that was taken was by the Rajput regiment, because 2 Rajput and 4 Rajput both were wiped out completely. So, ye. लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी, और शुक्र है कि किसी ने और ने ये फिल्म इंडो चाइना 62 की नहीं बनाई. चेतन साहब ने बनाई थी हकीकत, मगर और किसी ने नहीं बनाई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लड़ाई थी ही नहीं, हम उसको लड़ाई समझते ही नहीं. मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि वो लड़ाई थी. लड़ाई तो भाई दो आदमी आप आमने सामने हों तो लड़ाई है, उसके हाथ में भी हथियार हो, हमारे हाथ में भी हथियार हो तो लड़ते हैं. अगर आपके हाथ दूसरे आदमी के हाथ में हथियार ही नहीं, आप कह रहे हैं लड़ाई हो गई, वॉर हो गई. ये वॉर तो किसी भी एंगल से वॉर नहीं है, ये तो एक धोखा है. क्योंकि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्नॉलेज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना व्हेन माओ सी तुंग बिकेम द चेयरमैन, एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री which went and told the UNO that please make China a part of the UNO. सबसे पहले पहल हम लोगों ने की कि इनको recognize कीजिए. Western world इनको recognize करने को तैयार नहीं था, मगर जवाहरलाल नेहरू the late Prime Minister
made that first move that we must make China a part of this world and the UNO. So maybe because of that, our late Prime Minister thought that they will never, ever do anything wrong with us. But as they say, life is unfair and the world is unfair. Hi, JP sir, Justin here from PTI. Yeah. JP sir, when you're sitting on a director's chair after almost a decade, do you remember what was the feeling like? Because it can be daunting as well when you're set to direct a new film after such a long gap. How exactly was the feeling like on day one? I was born to do this job. For me, happiness lies in making films. When I'm not making films, I'm sad. I've made this statement earlier also. It's something that, you know, when you're born, you come into this world, and after a few years, when you've lived your life, and you're a young boy, you suddenly realize that your calling by the Almighty is this, that you need to do this. You have been sent to do this. So I think I've been sent to make my soldier immortal. You know, we all had also read that Abhishek was supposed to be part of the film earlier, but he couldn't do it. What exactly went wrong, and did it at any point hurt the project? Please go and speak to the Bachchans. And let me know, because even I don't know. Thank you. JP sir, 2006 में जब साथ में फिल्म आई थी सर यहाँ LOC फिल्म जब LOC कारगिल आपने बनाई थी उस दौरान ऐसी कई स्टोरीज हमने पढ़ी थी कि पर्सनली आपको काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी वो फिल्म बनाने के लिए. इस फिल्म के लिए रिसोर्सेज जुटाने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी? ना तो उस फिल्म के लिए तकलीफ थी, ना इस फिल्म के लिए तकलीफ थी. Somebody has given me wrong information. So please, these are all humbug. These are all my dear friends. You know what I mean. अच्छा सोनल, दीपिका, आप सभी हीरोइन से सवाल है कि एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है, मेल सेंट्रिक फिल्म है, क्योंकि इन्हीं पे बेस फिल्म है, वॉर पर जाते हैं, लड़ते हैं. आप लोगों के लिए कितना स्कोप है इस फिल्म में, अगर कुछ आप तीनों बता पाएं? सो ऑनेस्टली मैं इनके लिए जवाब देता हूँ. बिहाइंड एवरी स्ट्रॉन्ग सोल्जर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली. पर हमारे लिए आई थिंक मुझे लगता है कि दीपिका और मोनिका दोनों ही एग्री करेंगे कि हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं थी. दिस इज़ अ वेरी फॉर अस, आई थिंक वी आर रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. क्योंकि जब जिस तरीके की फिल्में JP सर बनाते हैं, आई थिंक हर एक्टर का ड्रीम होता है टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट. क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होती है, एंड यू नो इट्स दिस इज़ अबाउट द सैक्रिफाइसेस दैट द अनसंग हीरोज make for us when they're at the borders, and sirf hame yahan par safe rakhne ke liye. So I think kisi bhi tarike ka contribution mere liye to bahut hi bahut hi important tha ki main koi bhi kisi bhi in whatever little capacity I could be a part of this. I was very very proud. My grandfather was a freedom fighter, and I wish he was alive to see that I was a part of this film, because I'm sure he would have been really proud. I'm very proud, and I'm really thankful to JP sir कि उन्होंने मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनाया, और हमें एक बहुत बड़ी फैमिली मिली, बिंदिया मैम, जो जिन्होंने हम सबको साथ रखा. इट डिडंट फील लाइक वी वर शूटिंग एट ऑल, एंड आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट. हाउ कैन आई फॉरगेट निधि? ऑफ कोर्स शी लाइक शीज़ या इट्स रियली लाइक निधि एंड सिद्धि, वी गॉट शी इज़ माई सिस्टर, एंड रियली आई मीन हमने बहुत ही क्लोजली देखा है कि हाउ हार्ड निधि हैज़ वर्कड ऑन दिस. एंड I just can say that I'm sure everyone who's standing on this stage is so proud of you, Nidhi, and many more to come. Actually, as Sir rightly said, there are different ways of serving the nation, and we all know without a doubt that he has been doing this from years. So I don't think we need to even think about a scope or how much, what, when it is offered to be a part of his film.
So we are doing our bit of serving the nation. दीपिका एक सवाल और आपसे टेलीविजन में आप बहुत पॉपुलर हैं क्या अब आगे भी आप फिल्में करेंगी या टेलीविजन करती रहेंगी दोनों करेंगी बुलाएंगे तो डेफिनेटली भाग के आऊंगी बाकी जो भी ऊपर वाले की मर्जी हाय दिस इज स्नेहल दिस साइड मेरा सवाल एक्चुअली सोनू आपसे है काफ़ी कम फिल्मों में एक्टर्स को आर्मीज की लाइफ पोर्ट्रे करने का एक मौका मिलता है तो एज एन एक्टर आप कितना डिफरेंशिएट करते हैं आर्मी की लाइफ को या फिर क्या कुछ आपने सीखा है इस फिल्म के दौरान हाय स्नेहल मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि यू नो एक एक्टर की जर्नी इनकम्प्लीट है जब तक वो उसे एक एक आर्मी ऑफिसर या एक सोल्जर का किरदार निभाने को नहीं मिलता मैं एज एन एक्टर जब मेरी शुरुआत हुई थी मैं मुंबई में आई था तो मैं जे पी सर के ऑफिस में गया था और अपने पिक्चर्स बांटी सर ने देखा मुझे और फिर सर को जैसे हज़ारों मेरे जैसे लोग आते होंगे तो सर को याद भी नहीं था और फिर एक दिन यू नो उसके करीबन 6-7 साल बाद मैं मिला करीबन 2008 में मैंने फिल्म साइन की थी सर के साथ कि सर ने मुझे बोला कि एक दिन मैं जब फिल्म बनाऊँगा तो मैं तुम्हें बुलाऊँगा ज़रूर मुझे 10 साल लगे उस कॉल का इंतज़ार करते करते और फाइनली पलटन हुई बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है यू नो झूठ बोल रहा है इसको एलओसी के लिए बुलाया था इसके पास डेटा नहीं थी नहीं सर उससे पहले नहीं बट आई यू नो नहीं जेन्युइनली इट वाज एन एक्सपीरियंस यू नो मैंने जब पहला शॉट देखा इनफैक्ट यू नो जब हम लोग शूट कर रहे लद्दाख में मैंने मॉनिटर पे पहला शॉट देखा तो मैंने सर से वही जाके बोला मैं क्या सर आर्मी फिल्म बनाने का हक सिर्फ आप ही को है सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ दिस एंड एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जब मैं निधि को ऊपर आया देखा यू नो ट्रेलर के रिलीज से पहले जब मैं पहली दफ़ा आया था तो उस समय निधि थोड़ी छोटी सी थी और यू नो बड़ी मुश्किल से इसने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और यू नो आई मेट हर और उसके बाद यू नो शी वॉज अ प्रोड्यूसर हैंडलिंग हंड्रेड्स एंड आई वुड से कम 800,000 जो सोल्जर्स थे एक्टर्स थे उनको अकेली लद्दाख में शी वॉज यू नो अ बॉस And I was so proud, you know, seeing her working so hard every day. मुझे लगता है कि यू नो मैंने इतनी फिल्म इतने भाषाओं में की हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स नए प्रोड्यूसर्स देखे बट निधि जैसी प्रोड्यूसर आई थिंक शी इज अ लेसन फॉर लॉट्स ऑफ न्यू प्रोड्यूसर्स हु आर कमिंग इन द इंडस्ट्री टू लर्न हाउ द फिल्म्स आर मेड विद लॉट ऑफ पैशन एंड हाउ टू मेक दोज ड्रीम कम ट्रू यू नो सर वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू यू नो एज प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर थैंक यू सो मच अर्जुन Gurmit sir, to your left. Arjun. This is Vedita from Vikings. My question is, it is also known that you have taken training from your father for Palton. So tell us something about that. Actually, dad फौज में training देते थे. हम लोग MP में dad की posting हुई थी. तो उनको मैं देखता था हमेशा training देते हुए. और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ पर जाता था और उनके साथ बैठता था और training उनके साथ करता था. जब Palton sign की थी तो luckily dad यहीं पर थे. तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने समझाई जो बताई जो उन्होंने इतने सालों तक सीखा है और ये मौका मुझे मिला ज़रूर उनसे सीखने का थैंक यू क्वेश्चन टू सोनल आल्सो सोनल दिस इज़ अ नाइस कमबैक फॉर यू सो व्हाट टुक सो लॉन्ग फॉर यू फॉर अ कमबैक नो आई सो इट्स नॉट रियली दैट आई वाजंट वर्किंग आई वाज डूइंग फिल्म्स डाउन साउथ so I was busy with that but it's fantastic I think there couldn't have been a better film to come back with like I said earlier I'm very proud to be a part of this and I just can't wait for the audience to see this movie because I think a lot more of the war films need to be made because you know that feeling of patriotism is above everything and I'm just really proud and I don't think it could have been better than this thank you Arjun Imtiaz hi hum log hamesha sunte aaye 62 war hum log haar gaye इस वॉर के जो हम लोग जीते हैं इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है आप क्या मानते हैं कि आखिर के बारे में लोगों को क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं रही आपने इतना अच्छा रोल किया है उसका एक यादगार एक करेक्टर किया है अच्छा मुझे भी नहीं पता था कि 1967 में ये स्कर्मिश जो हुई थी जो छोटा सा बैटल था वो हुआ था दैट इज़ थैंक्स टू जे पी सर दैट ही ब्रॉट द सब्जेक्ट टू मी And when I heard about it, ronte khade ho gaye the mere. And I was really like, wow, this really did happen. And most importantly, jitne bhi kirdaar hain hum sab ke,
you know, उन्होंने जो फैसले लिए, जिन्होंने जो sacrifices किए थे, they are all our true heroes. उनके नाम ना बद वही हैं, जैसे कि मेरा नाम, मेरे किरदार का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इस पलटन के. उनकी जो सोच थी वो कहाँ से थे, यू नो, उन्होंने किस तरीके को तरीके से इस पलटन को रखा वहाँ पर. और उस वक्त सिक्किम तो हमारे साथ था भी नहीं. सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट. उनके राजा ने हमारे फौज को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो चीन के खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें. इस वॉर के बाद सिक्किम जॉइंट अस. एंड टू नो दिस हिस्ट्री, क्यों छुपाया गया था, आई डोंट नो. आई थिंक इसलिए छुपाया गया था कि जब लोगों को पता चले तो इस फिल्म के ज़रिए पता चले, यू नो, कि जेपी सर को ये फिल्म कहानी बतानी थी, उनके तरीके से बतानी थी. इसे ना हम पॉलिटिकल करना चाहते हैं, ना उस हिसाब से सोचना चाहिए, मगर देयर वर सैक्रिफाइसेस दैट वर मेड, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट वर टेकन व्हिच वर नॉट इन सिंक विद द गवर्नमेंट, यू नो. एंड आई थिंक इफ दीज सोल्जर्स डिड नॉट मेक दोज डिसीजंस टुडे, इंडियाज मैप वुड हैव बीन वेरी 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 डिफरेंट, एंड वी वुड हैव बीन वेरी वल्नरेबल एज अ कंट्री टू लूज सिक्किम. Or not have Sikkim as part of us. So I don't know why this story was hidden. I think is film ko dekhne ke baad, lot of people are going to ask that question, and I hope that they ask that question. Sonu, aap se aur bhi logon se puchenge ki jo character aap log kar rahe hain, kya un characters ki baat se mujhe ek line yaad aati hai, fear is a reaction. Fear is a reaction. Aggression is a decision. सभी से पूछना चाहेंगे जो कैरेक्टर आप लोग कर रहे हैं, क्या उनके घर वालों से कुछ कभी मुलाकात हुई फिल्म के दौरान या फिल्म के बाद, फिल्म करने से पहले उनके बारे में कुछ और जाना आप लोगों ने? यू नो, एक एक्ट जब आप खासकर ऐसी फिल्म करते हैं तो बड़ा ज़रूरी रहता है कि आप पूरा होमवर्क करें. बट जब जे पी दत्ता सर जैसे डायरेक्टर होते हैं तो हर चीज़ का रिसर्च किया गया था. यू नो, हमें उनकी पिक्चर्स दी गई थी, उनके बारे में बताया गया, उनकी फैमिलीज़ के बारे में बताया गया. तो आप जे पी सर के पास बैठ जाएं, इन जब तक लाइटिंग होती है, शॉट होता है, तो मुझे लगता है आप इनके पास बैठें, आपको ऐसी एनर्जी मिलती रहती है कि आपको पता होता है कि वो एक्टर कैसे रिएक्ट करेगा, या वो जो किरदार थे जिनको हम निभा रहे हैं, मैं मेजर बिशन सिंह का किरदार निभा रहा हूँ, तो कैसे बिशन सिंह जो थे वो कैसे बात करते होंगे या कैसे उनका चलने का अंदाज़ होगा. सो मुझे लगता है जो ख़ास चीज़ जे पी सर में, कि इतने एक्टर्स के पास जब भी कोई सवाल होते थे या उनके पास जाते थे, उनको वो सब इंफॉर्मेशन मिल जाती थी. और आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ जे पी सर एज ए डायरेक्टर, कि आपको कैमरा में वो एक्टर्स जो भी करते हुए दिखते हैं वो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कैमरा के पीछे जो डायरेक्टर है उन्होंने उनको इतना कुछ दे दिया है, ताकि आप एवरेज काम करेंगे तो भी आप अच्छे दिखेंगे. आई विल टेल यू वन थिंग, आपने कभी सोनू सूद को फ्लैग बनते हुए देखा है? ये एक्चुअली ह्यूमन फ्लैग बन जाते हैं, ये किसी पोल पे घूमते हैं और फिर ब्लैक फ्लैग की तरह यूं खड़े हो जाते हैं पोल पकड़ के. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है. उनको बुला लेते हैं, आप हैं तो आपको हम वो तस्वीर भेज दें. जेपी सर सेंटर, सॉरी, योर फेवरेट. We'll just take the last question, sir. और एक सवाल मेरा है. सर, एक सवाल. 1998 में बॉर्डर आपने बनाई थी, सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, आज भी लोग उसे याद रखते हैं वॉर फिल्म के तौर पर. आपको क्या लगता है 20 साल बाद, इन 20 सालों में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में किस तरह का बदलाव आया? आपका पर्सनल नज़रिया क्या है, आपका टेक क्या है इस पर, अगर आप कुछ बताएं? मेरा पर्सनल नज़रिया बड़ा सिंपल है. पहली बात तो बांग्लादेश भूलेंगे नहीं है और जान छोड़ेंगे नहीं. उसका बदला लेने के लिए ये लग रहे. और दूसरी मेरी जो मतलब विशेष टिप्पणी है इस पे, कश्मीर पे, कश्मीर इज लाइक अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रोकन मैरिज. वो दोनों तरफ से टॉफी खाता है. थैंक यू सो मच सर. मतलब ये तो बाहर ही लव, दिस वंस फॉर यू. यहाँ बड़े सारे लव की बात हमने कर ली, बड़े सारे प्यार की बात कर ली, उनको भी चाहिए थोड़ा सा, यू नो,
मुंह मीठा हो गया लेकिन थोड़ा सा अगर लव लव एक क्वेश्चन सॉरी यार लव है इम्तियाज लव में बोलेंगे आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा क्योंकि जेपी साहब लेजेंड है और उसके उनके साथ एक ऐसी फिल्म करना जो अपने में एक हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं अपना कैसा रहा। देखिए मैं मानता हूँ कि मुझे जो मौका मिला जेपी सर के साथ काम करने के लिए आई थिंक आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कैसे हुआ क्यों हुआ बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट यू नो जेपी फिल्म निधि सर उनके साथ जो काम करने का मौका मिला कभी भूल नहीं पाऊँगा एंड प्लस ऑल ऑफ अस सब जो कलाकार है साथ में उन सब के साथ रहना हर दिन वहाँ पे ले में इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट इट। इसके लिए मैं ऐड करता हूँ इनके से आप लोगों को अच्छा लग रहा है मैं क्या क्या बातें कह रहा हूँ मेरी फिल्म में एक डायलॉग है हीरोज डू नॉट चूज देयर डेस्टिनी डेस्टिनी चूजेस देम। तो मतलब लिखने को इतना मिला है सबको हमको जोरदार तालियां फॉर पल्टन लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स जेपी दत्ता साहब यहां पे वी विल हैव अ क्विक फोटो अप यस बिल्कुल एंड वी विल टेक द माइक्स कैन वी कलेक्ट द माइक्स द बॉस लेडी इज लाइक सो वी विल जस्ट वी विल टेक द माइक्स
हाथ उठाए तो हाथ काट देंगे। थैंक यू थैंक यू। ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी सर इधर भी सोनू भाई इधर भी इधर नहीं इधर नहीं इधर इधर भी सर सेल्फी ले रहे अरे अगेन स्लाइड है ये अपना अलग ही पहचान मत ओ चालू आदमी हो उमर झोलो लो है झोलो लो शाम को जाना हां झोलो लो है